गलत हो गई है थ्योरम, मुझे समझ नहीं आता ये एग्जाम्स होते क्यों हैं। सारा साल हम जाते तो हैं स्कूल में, फिर ट्यूशन जाते हैं, इतनी पढ़ाई करा के इनको हमसे सबर नहीं आता है क्या? ये एग्जाम्स लेने बैठ जाते हैं, हमें जज करने बैठ जाते हैं। पता नहीं ये थ्योरम्स किसने बनाई और ये अलजबरा किसने बनाया। मुझे तो लगता है ये टीचर लोग पागल हो जाते हैं इतना पढ़ने के बाद, फिर हमें पागल करने के लिए ऐसे ऐसे थ्योरम्स बनाते हैं ताकि हम कभी याद ही ना कर पाए और हम कभी पास ही ना हो सके अच्छे से। ये एक अच्छा तरीका बदला लेने का हमसे, मैं भी ऐसे करूंगी। पढ़ी होगी ना, ऐसी थ्योरम्स बनाऊंगी ना, 100-200 थ्योरम्स बना दूंगी ऐसी कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन याद रखेगी और पगला जाएंगी, लेकिन थ्योरम याद नहीं होगी उनको। बदला लेना तो बनता है, लेकिन यार अभी के लिए क्या करूँ, अभी तो पास होना है, क्या करूँ। बाकी फ्रेंड्स को फोन करके पूछूं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। गुड आइडिया, याद ही नहीं हो रहा है। तेरी कितनी प्रिपरेशन हो गई, तू जग रही हो अभी तक? अरे अरे कहाँ, कुछ नहीं हुआ मेरी भी तैयारी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, तैयारी हो ही नहीं पाई अच्छे से, और तुझे तो पता है कि अलजेब्रा है भी कितना मुश्किल। चल तू आराम कर अभी, अभी सुबह उठ के देखना फिर इतनी देर तक जागोगी तो कल एग्जाम में कैसे लिखोगी। मेरी भी कुछ तैयारी नहीं है सच्ची में, कुछ भी नहीं आता मुझे तो, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पाई। चल मैं भी सोती हूँ, तू भी सो अपना टाइम से, कल मिलते हैं। झूठी कहेंगी, हर साल बोलती है मैं फेल हो जाऊंगी और फिर टॉप कर जाती है हर साल। ऋतु को करती हूँ, हाय कैसी, कैसी है तू? अरे तू टेंशन मत ले, वो हिंदी वाले मास्टर जी नहीं है? हाँ मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है वो, अपनी बात पूरी हो गई है, मैं कल पूरी हेल्प करेंगे वो, और मैंने पता कर लिया उन्हीं की ड्यूटी है कल अपने क्लास में, तो तू टेंशन मत ले, पूरी हेल्प कराएंगे अपने, ये अलजेब्रा क्या चीज़ है, टेंशन मत ले, आराम से सो जा तू, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ये वाले मास्टर जी की होते कोई नो टेंशन। कैसे भूल सकती हूँ, अच्छा भला सही क्वेश्चन का टिक लगाया था और वो इसके से फारसी टीचर ने मेरा गलत आंसर करवा दिया था, और इस बार हिंदी वाले टीचर पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, अलजबरा के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। संजना को करती हूँ कॉल, वही कुछ होप दे सकती है। हाय संजना, कैसी चल रही है तेरी तैयारी? रेड वाली के ब्लू वाली, अब देख रेड वाली के साथ के मैचिंग मेरे पास सैंडल्स नहीं है, वो टूट गए थे जो पहले वाले, और जो ब्लू वाली है अब, अरे यार ब्लू वाली के साथ के तो इयररिंग्स ही नहीं है मेरे पास। शिट यार, तूने एकदम सही टाइम पे फोन किया, मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या पहनूं और सब निकाल के रख रही थी, यार इयररिंग्स नहीं है। तो ऐसा कर तू फोन रख, मैं भी दीदी से पूछ के आती हूँ अगर उनके पास इयररिंग्स हैं क्या, तू अभी देखती है जबरा जबरा छोड़, कल सुबह देखेंगे एग्जाम में, लेकिन एक बार एग्जाम में जाने के लिए तैयार भी तो होना पड़ेगा ना मुझे, मेरे पास है ही नहीं कुछ यार। जब तू फोन रख, मैं भी दीदी से पूछ के आती हूँ उनके पास इयररिंग्स है क्या, इससे पहले वो सो जाए मेरे को जाना पड़ेगा। चलिए यार रख दूँ, ये क्या मजाक है, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है अलजबरा का और इसको फैशन की पड़ी है, मुझे तो लगता है मेरे पास नहाने तक का टाइम नहीं बचना है सुबह तक। सरस्वती को करती हूँ, वही कुछ हेल्प करेगी अब। हाय देसी, कैसी है? अरे सरस्वती कल एग्जाम है ना, कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, सोचा कि तुझे फोन करती हूँ पूछती हूँ तेरी कैसी तैयारी चल रही है। अरे अम्मी तो फुल प्रिपरेशन है, अरे पिछले एक महीने से नंगे पांव मंदिर नहीं जा रही, भगवान को पूरा इमोशनल कर रखा है मैंने। अरे पता है कल जो पूजा करके जानी है ना उसका नारियल मैंने स्टडी टेबल अभी से रख लिया है।
अब एग्जाम से बुरी बला भला हो क्या सकते हैं हमारे लिए, अपनी तो फुल सेटिंग है, मैंने तो पक्का पास हो जाना है। अरे हाँ, अभी की टेंशन छोड़ दू, सुबह जल्दी आ जाना मेरे घर पे, सुबह सुबह पूजा करके चलेंगे और प्रसाद भी चढ़ाना है ना, तभी तो पास होंगे अच्छे से। ये तो गई, रश्मि को करती हूँ। हाय रश्मि। हाँ यार, कैसी चल रही तेरी तैयारी? अरे कौन सी प्रिपरेशन, अरे हिंदी का भी कुछ पढ़ना होता है क्या? इतना इजी होता है, कहानियां तो लिखनी होती हैं, वो भी अपने मन से, उसमें क्या पढ़ना है। अरे पागल, हिंदी नहीं, कल मैथ का एग्जाम है, मैथ का। कसम खा, अरे यार मैथ्स कहाँ से आ गया? एक मिनट रुक। शिट मैन, कल 25th है? अरे यार मैं तो डेढ़ शीट ही ध्यान से पढ़ी। यार तूने तो कुछ कर भी लिया होगा, मैंने तो एक थ्योरम तक नहीं करी है। यार प्लीज यार, कल कुछ करवा देना एग्जाम में, प्लीज थोड़ा सा दिखा देना मुझे, प्लीज थोड़ा सा, बस स्टार्टिंग से दिखा देना, बाकी की थ्योरम में खुद से बना लूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, चल देखते हैं कल। ये तो उल्टा सामने वाले को टेंशन दे देती है। लास्ट होप अंजलि बची है, उसी को करती हूँ। हाय अंजलि, कैसी हो? अरे यार कुछ नहीं हुई मेरी तैयारी, तो तेरी तैयारी कैसी चल रही है तू बता। हाँ यार, मेरी तो शाम को ही खत्म हो गई थी प्रिपरेशन। चल तू भी टेंशन मत ले, बता मुझे किस चीज़ किस थ्योरी में प्रॉब्लम है, तुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम है क्या तुझे बता, और तेरी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी रिविजन हो जाएगी, दोनों की हेल्प हो जाएगी। टेंशन मत ले, मुझे बता किस किस थ्योरी में तुझे प्रॉब्लम है। मैं तुझे अभी लॉजिक बताती हूँ, लॉजिक के साथ तुम्हें याद करना इतना ईजी हो जाएगा ना कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगी ये थ्योरम्स। हाय थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे ट्यून्ड विद वी आर परफेक्ट।